हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन इज अ बेसिक वॉलेटाइल नाइट्रोजन कंपाउंड गेव अ फाउल स्मेलिंग गैस व्हेन ट्रीटेड विद क्लोरोफॉर्म एंड एल्कोहलिक फ्यूल्स। अ 0.295 ग्राम सैंपल ऑफ द सब्सटेंस डिसॉल्व इन एक्वस एससीएल एंड ट्रीटेड विद नैनो टू दैट इज एन एनओ टू सॉल्यूशन एट 0 डिग्री सेल्सियस लिबरेटेड अ कलरलेस ओडरलेस गैस हुज वॉल्यूम कोरस्पोंड टू 112 ml एट एसटीपी। आफ्टर एवोल्यूशन ऑफ द गैस वॉज कम्प्लीट द एक्वस सोल्यूशन वॉज distilled to give an organic liquid which did not contain nitrogen and which on warming with alkali and iodine gave a yellow precipitate. Identify the original substance assuming that it contains one nitrogen per atom. Now let's first of all the key concept that we have to discuss in this particular question. So key concept jo hamara use hoga is question mein wo hamare paas use hone ja raha hai, that is my the key concept is reactions of amine. So यहां पर हमारी reactions of amines properly use करी गई है इस particular question में. So now let's see यहां पर क्या हो रहा है. तो सबसे पहले यहां पर हमें एक बेसिक वॉलेटाइल नाइट्रोजन का कंपाउंड कोई भी हो सकता है वो हमें फाउल स्मेल दे ले. मैं यहां पे लिख लेता हूँ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है. यहां पे मैं यह ऑर्गेनिक कंपाउंड लिख लेता हूँ कोई भी ओसी जिसमें नाइट्रोजन है. इसको मैंने रिएक्ट करा दिया क्लोरोफॉर्म विद एक्वस क्योज के साथ तो मुझे जो मिला प्रोडक्ट में वो मुझे फाउल स्मेलिंग आई. अब ये फाउल स्मेलिंग सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए किस चीज की होती है. यहाँ पे हमें जो फाउल स्मेलिंग है वो हमारे पास होती है आइसोसाइनाइड की. तो यहाँ पे जो फाउल स्मेलिंग आ रही है वो आ रही है आइसोसाइनाइड की. और आइसोसाइनाइड ये जो रिएक्शन है दिस इज माई कार्बाइल अमीन रिएक्शन इट इज गिवन बाय 1 डिग्री अमीन. तो जो कंपाउंड हमें यहाँ पर पता लगा है वो 1 डिग्री अमीन. ठीक है तो ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया बिकॉज इसके टेस्ट से कि यहाँ पर कार्बिल अमाइन टेस्ट सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री अमीन देते हैं. ठीक है अब क्या करा हमने इसका 0.25 दिया तो हमें पता लग गया हमारे पास जो अमीन है वो है RnH2 1 डिग्री अमीन है. और यहाँ पे लिखा हुआ है अज्यूमिंग इट कंटेन्स 1 नाइट्रोजन पर मॉलिक्यूल. तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो इस पर भी ध्यान रखना. तो एक हमें इसको कंसिडर करना है. ठीक है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं RnH2. अब इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं किससे. यहाँ पर हमें कहा गया है 0.25 ग्राम लिया है सर. ठीक है तो इसका वेट लिख लेते हैं दैट इज 0.295 ग्राम. इसका हम सैंपल का रिएक्ट करा रहे हैं एक्वस एचसीएल के साथ एंड ट्रीटेड विद NaNO2 या फिर डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ ये HNO2 के साथ रिएक्शन हो रही है इसकी. सो यहाँ पे मुझे क्या क्या मिलेगा. एक तो यहाँ पर मिलता है एल्कोहल साथ में नाइट्रोजन गैस की इवोल्यूशन होती है प्लस साथ में मिलता है वाटर. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या रिएक्शन बैलेंस है. 1, 2, 3 हाइड्रोजन ठीक है 2 नाइट्रोजन ठीक है. तो ये हमारी रिएक्शन हो गई. अब यहाँ पे इसके बाद क्या हुआ. इन्होंने बोला है कि यहाँ पर एक कलरलेस एंड ओडरलेस गैस मिली है तो गैस कौन सी है यहाँ पर नाइट्रोजन गैस है. तो हमें नाइट्रोजन गैस मिली है जिसकी वॉल्यूम दे रखी है 112 ml. ठीक है जी अब एवोल्यूशन के बाद क्या हुआ आगे जो हुआ उसकी कहानी समझेंगे. पहले यहाँ से देखते हैं क्या हम पता लगा सकते हैं. यहाँ पर क्या है आप देख सकते हैं स्टोचोमेट्रिक्स है. इसके 1 मोल से नाइट्रोजन का जो है वो 1 मोल निकल रहा है. दैट मींस अगर नाइट्रोजन के मोल्स निकाल लें तो इसके मोल्स निकल जाएंगे. तो नाइट्रोजन के मोल्स कैसे निकालें हमें वॉल्यूम दे रखी है एट एसटीपी. तो अब निकालेंगे नाइट्रोजन के मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम जितनी दे रखी है डिवाइड बाय एसटीपी पर लिखेंगे 22.24 लीटर. जिस 22.4 लीटर जिसको कन्वर्ट कर दूंगा मैं मिली लीटर में वो ये हो जाएगा और ये आ जाएगा ½ × 10⁻². तो मेरे जो 10⁻³ तो क्या आ गया मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आ गए. अगर 1 मोल से 1 मोल बन रहा है तो इसके 5 × 10⁻²⁔ मोल से कितने मोल हमारे लगेंगे. तो इसके भी जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो मुझे मिल गए हैं इसके नंबर ऑफ मोल्स दैट इज. तो यहाँ पे फाइनली हमें मिल गए नंबर ऑफ मोल्स इसके 5 × 10⁻³. अब नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होते हैं. नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होते हैं गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट. तो गिवन वेट क्या है जो कि 0.295 ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट कितना है. मॉलिक्यूलर वेट हमें निकालना है तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट निकालने की करते हैं कोशिश. तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट इधर आ जाएगा ये इधर आ जाएगा. तो मॉलिक्यूलर वेट हमारे पास इक्वल हो जाएगा 295 डिवाइडेड बाय 5 के दैट इज इक्वल टू 59 ग्राम. तो यहाँ से हमें अमीन का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो मिल गया है. तो हमारे पास इसका मतलब RnH2 जो है ना उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है 59. अब हमें आर की वैल्यू नहीं पता. सपोज जो आर है उसका वेट मैं बोल रहा हूँ एक्स प्लस नाइट्रोजन का कितना होता है. सर नाइट्रोजन का जो वेट होता है हमारे पास दैट इज इक्वल टू हमारे पास 14 प्लस ये आ जाएगा 2 दैट इज इक्वल टू 59. तो 16 अब हम माइनस कर देंगे इसमें से तो जो एक्स की वैल्यू है वो हमारी आ रही है दैट इज. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 16 हो जाएगा ये उधर जाके तो 43. तो यहाँ पे हमारे पास 43 है दैट मीन्स हमारे पास क्या है यहाँ पे हमारे पास 43 है. तो हम ऐसा कह सकते हैं अगर हम इसका एक अरे
तो कार्बन हमारे पास तीन अगर है तो 36 हो जाएगा, और हमारे पास हाइड्रोजन 7, तो C3H7NH2 यहाँ पर फॉर्मूला बन सकता है हमारे इस अमीन का। अब यहाँ पे ये जो पॉसिबिलिटीज है देख सकते हैं, दो पॉसिबिलिटी है, या तो एक अमीन ये बन जाए तीन कार्बन का, या फिर एक अमीन ये बन जाए। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज हैं हमारे पास अमीन की। अभी हमने क्या निकाला है, इसका वेट निकाला है। अब इसके वेट के बाद क्या, तो हमें यहाँ से वेट मिल गया, क्या है पॉसिबिलिटी है। नाउ आगे देखते हैं, आफ्टर द एवोल्यूशन ऑफ द गैस वॉज कम्प्लीट द एक्वा सोल्यूशन वॉज डिस्टिल्ड टू गिव एन ऑर्गेनिक लिक्विड। मतलब ये जो गैस चली गई पूरी, तो इस पूरे सोल्यूशन को हमने लिया, उसको डिस्टिल्ड करा, और यहाँ से सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्गेनिक लिक्विड मिला जो कि क्या है, ROH। तो यहाँ से हमें मिल गया है ROH, और ये जो ROH है इसमें नाइट्रोजन नहीं है। यस यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन नहीं है, ठीक है, यहाँ नाइट्रोजन नहीं है। और अगर हम इसकी रिएक्शन करा दें किसी एल्कली के साथ, ये जो हमारा ROH है दैट इज दिस, अगर मैं इसकी रिएक्शन करा दूं किसी एल्कली दैट इज मैं NaOH के साथ विद आयोडीन, तो यहाँ पे मुझे प्रेसिपिटेट मिल रहा है किस कलर का, तो यहाँ पे मुझे येल्लो प्रेसिपिटेट मिल रहा है। दैट मीन्स हमें यहाँ पर ये कन्वर्ट हो जाएगा RCO नेगेटिव, प्लस साथ में हमें मिल जाएगा आयोडोफॉर्म दैट इज दिस। तो यहाँ पे ये येल्लो प्रेसिपिटेट इसका हो रहा है, दैट मीन्स ये हमारा जो है ये वाला टेस्ट दे रहा है, दैट इज आयोडोफॉर्म, ये टेस्ट देगा आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो अब हमें उसके अकॉर्डिंग देखना है, यहाँ पे ये दो अमीन थे, अगर इस दोनों की मैं रिएक्शन करा दूं अपने HNO2 के साथ, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेंगे वो यहाँ पे मिलेगा इस केस में दिस, और इस केस में जो मुझे मिलेगा वो मिलेगा ये। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो प्रोडक्ट मुझे मिला है इन दोनों में से कौन देगा मेरा, दैट इज माई क्लोरोफॉर्म टेस्ट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसके पास CH3 मौजूद है, यहाँ भी, दैट मीन्स ये मेरा दे देगा व्हाट डू वी कॉल इट एज आयोडोफॉर्म प्रोडक्ट। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे दो ही हाइड्रोजन है, तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे सकता, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये स्ट्रक्चर इज एक्सेप्टेबल, और ये कहां से बना है, इस वाले स्ट्रक्चर से। तो ये हमारा फाइनल स्ट्रक्चर हो जाएगा हमारे अमीन का। तो हमें क्या बताना था, हमें बताना था ओरिजिनल सब्सटेंस बताना था, सो आवर ओरिजिनल सब्सटेंस इज गोइंग टू बी दिस CH3 CH CH3, और यहां पर आ जाएगा NH2। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। सो द फाइनल आंसर एंड द फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड इज दिस। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।